हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आप सबको मेरे व्लॉग में खुशामदीद। तो यार मैं आज आप लोगों को बता दूं, आज ऐसी ट्रेडिशनल चीज़ आप लोगों को दिखाने लगा हूं यार, जिसे देख के आप ना खुश हो जाओगे। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं सुबह उठा था, नमाज़े फजर अदा की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी अपने खेतों की तरफ आया हूँ, ठीक है। और मौसम बहुत प्यारा है, पहले मौसम चेक कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो ऐसे है कि किसी भी वक्त बारिश आ सकती है, ठीक है। और अगली बात करते हैं कि कल ना हमने चावलों की फसल की तैयारी करनी थी, तो ट्रैक्टर वाले को कहा था, ट्रैक्टर आया था, लेकिन वो उसने रूटावेटर फेरा था, मतलब थोड़ी सी ज़मीन ना ठीक सेट वेट की थी, उसके बाद उसका ट्रैक्टर हो गया जी ख़राब। रास्ते में ना सईद भाई मिले, तो उनके पास कुछ यूँ था, आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। तैयारी थी, और ये देखें, ये है वो ट्रेडिशनल चीज़, चेक करें माशाल्लाह, ठीक है। बोदनों के साथ इस फसल की तैयारी हो रही है, ज़मीन की तैयारी हो रही है, ठीक है। मैं आया ना नमाज फजर अदा करके यहाँ पे आया हूँ, तो उससे पहले ही आगे थे माशाल्लाह, इतने मेहनती हैं यार गांव के लोग, ठीक है। और उन्होंने मुझे कहा है कि ये जो किकर है ना, ये यहाँ से हटानी है, ये वाली, तो अब मैं वहीं जा रहा हूँ कई लेने के लिए। तो कई मैं ले आया, बस अब जड़ी बूटियाँ काटनी हैं, ठीक है। वो किकर सी है कांटों वाली, उसे साइड पे हटाना है, क्योंकि बोल के लगेंगी। साइड पे हटा दिया, बस अब बोल चल रही है, हल चल रहा है, उसके पीछे हल है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ठीक है, कैसे हल फिरता है ट्रैक्टर की तरह। तो मैं लेके जाता हूँ, लो जी, इसका एक फाला है, ट्रैक्टर के पांच फाले होते हैं, लेकिन इसका एक फाला बड़ा है और ज़मीन के अंदर तक जा रहा है, जिसकी वजह से ना ज़मीन बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाती है। ये ना बहुत बड़ी स्किल है, तो बुल जो है ना वो चलते नहीं है, लेकिन इन्हें चलाना पड़ता है। सईद भाई अब वो बुलों को तत 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 ऐसे करके ना, वो जैसे प्यार नहीं करते, तत 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 तुर 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 चलिए, बस ऐसे करके आगे आगे लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी तैयार हो रही है, डबल हल फेरा, यानी पहले हॉरिजॉन्टल में, अब वर्टिकल में, यानी पहले इस साइड पर, फिर इस साइड पे, ठीक है, फिर है, उसके बाद सुहागा फिरेगा। मैं आ गया हूँ थोड़ा साइड पे, आप टाइम लैप्स चेक करें, ठीक है, चेक करें। हाला अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया, अब सुहागा फेरना है, ये देखिए सुहागा ये पड़ा है, मिट्टी से भरा हुआ है, इसे जी हम उठाएंगे, एक हाथ में मेरे मोबाइल है, इसे उठाएंगे और इसे लेके चलते हैं सुहागे में, ठीक है, सुहागा उस पर डालना, एक चक्कर रह गया बस, उसके बाद डालना जी सुहागा, ये हम उठा लें वहाँ से, ठीक है, इधर ही रखते हैं फिलहाल। आज जो है ना हल को बांध दिया, ठीक है, मजबूती के साथ, अब दूसरी रस्सी खोल रही हैं सईद भाई, और उसको इस पावे के साथ बांध देना, ठीक है, तो हमारा सुहागा फिर रेडी हो जाएगा। लो जी चेक करें सुहागा फिर। यार अगर इस पे दो बंदे खड़े हो सकते ना, तो मैंने भी हो जाना था, सुहागा बड़ा मज़ेदार है यार। तो हम तो ट्रैक्टरों के पीछे ना ऐसे सुहागा होता है, हम उस पे बैठते हैं हमेशा,
लेकिन इस पे बैठने का ना अपना ही मज़ा है, बहुत मज़ा है। चेक करें बस, ऐसे सुहागा उन्होंने खड़े होना है और ज़मीन को ऐसे प्लेन कर देना है, ठीक है। अब ना सिर्फ सुहागा फिर है, ठीक है। और ये देखें, ये मैं तिलों में बैठा हूँ अपने, ये तिल हमने बीजे हैं तो हमने इसका तेल भी निकलवाना और इस्तेमाल भी करने हैं घर के लिए। और मेरे पीछे सुहागा चल रहा है। साथ बांधेंगे सारे इक्विपमेंट इस गड्ढे के ऊपर रख दिए हैं, ठीक है। और बोलदा दी भी जान छुट गई है इस टाइम, तो फ्री हो गए हैं। और ये सईद भाई का बेटा, और कैसे हो? ठीक ठाक। लो जी, ये सईद भाई के पीछे आया था नाश्ता देने के लिए, ठीक है, बहुत अच्छा लगा। लो जी, ठीक है जी। लो जी, हम भी चलते हैं, फटे शटे उठाने हैं अभी और काम करने हैं, दूध धोना है, बड़ा कुछ करना है। तो ज़मीन की तैयारी की तरफ लगे हुए थे तो अल्हम्दुलिल्लाह काम कंप्लीट हो गया। अब रस्सियां लाते हैं और फटे शटे उठाते हैं पीछे से, बस उसके बाद दूध शुद्ध चोना है। चले फिर आज चलते हैं। लो जी, पट्टे मैंने उठा लिए हैं। सईद भाई चले गए थे ज़मीन की तैयारी करने के लिए, उसके बाद दूसरे काम रहते थे, बस अब पट्टे उठाए हैं, इसके बाद दूध होना है, वहाँ भी आपको लेके चलते हैं। अभी मैंने वजन उठाया, बाद में मिलते हैं, ठीक है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह काम शाम सारे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब जाके बस वीडियो पिछली जो है वो भी एडिट करनी है, थोड़ी सी रहती है, और अपलोड भी करनी है। सारे काम हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, दूध भी धो लिया, सारे काम हो गए हैं, ज़मीन की तैयारी भी होगी। अब बस घर जाना है, वीडियो एडिट करनी है, अपलोड करनी है, उसके बाद सो जाना है, ठीक है। और नाश्ता भी करना है, नाश्ता ज़रूरी, पहले पेट पूजा फिर काम पूजा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, ठीक है। और दुआओं में याद रखना, दिल की अथाह गहराइयों से। अस्सलामुअलैकुम।